किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए कलेक्शन सेंटरों पर आने वाले किसानों को बाकायदा कमोडिटी की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय बताए जाते हैं। अब धीरे धीरे किसानों को बेहतर माल लाने के फायदे अच्छी तरह से समझ आने लगे हैं, जिसके कारण वो पहले से ही माल को साफ करके ले आते हैं। नमी जैसे ज्यादा मुश्किल गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए इन किसानों को मॉइस्चर मीटर जैसे उपकरणों की निःशुल्क सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ನಮ್ಮದು ಬೆಳೆದಂಥ ಮಾಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯಂದು ಬರೇ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ ಬೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಕಿ ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಂಡೇರಾವ್ ಇಂಗಲ್ ಜೆಸೆ ಕಿಸಾನೋ ಕಿ ಇಸ್ ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಉನ್ಹೇ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದಾ ಭಿ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಕೈ ವ್ಯಾಪಾರಿ NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड के जरिए सीधे इन किसानों का माल खरीदने लगे हैं। अच्छी गुणवत्ता का माल थोक मात्रा में एक साथ मिलने की सहूलियत के लिए कई बार ये कारोबारी मंडी की कीमतों से करीब 15% तक ज्यादा भाव दे देते हैं, जो सीधे किसानों के खाते में जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले साल 11 मार्च को जब मॉडल मंडी में चने का हाजिर भाव 3,241 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा था, उसी दिन किन्नी सुल्तान के किसानों को अपने चने के लिए हर क्विंटल पर 3,710 रुपए का भाव हासिल हो गया। और ट्रांसपोर्ट, हमाली और तौल की कीमत भी जोड़ दें तो हर क्विंटल पर करीब 40 रुपए का उन्हें फायदा और ज्यादा हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यवस्था से न केवल किसान बल्कि गुलबर्गा का कारोबारी भी फायदे में है, जिससे इस प्रक्रिया के और तेजी से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। ಇಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ರೈತರಿಂದ ಮಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ದೇವು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ NEML ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ 2% ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು NEML ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. दरअसल इस पूरी व्यवस्था में किसानों को बेहतर भाव दिलाने और उनके भुगतान को ज्यादा से ज्यादा सुचारू और त्वरित बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। फिलहाल गुलबर्गा सहित 5 FPO यहां कलेक्शन का काम कर रहे हैं। इनमें हर कलेक्शन सेंटर 5 से 6 गांवों के किसानों की उपज खरीदता है। केवल निसर्ग के शेयर धारक सदस्यों की संख्या 600 है। पिछले सीजन में सारे FPO से मिलाकर कुल करीब 3,000 टन दालों की खरीद की गई थी, जो साबित करता है कि धीरे धीरे किसानों से उपज खरीद कर उन्हें अच्छा भाव दिलाने का ये मॉडल अपना असर दिखाने लगा है। निसर्गा FPO के इस छोटे से प्रयास से मुन्ना हल्ली और इसके आसपास के करीब 5 गांवों के 4,000 किसानों को फायदा हो रहा है। ये किसान न केवल शहर की मंडी जाने के झंझटों से बच रहे हैं, बल्कि उन्हें बेहतर भाव भी हासिल हो रहा है, और ये सब हो रहा है उनके अपने खेतों और खलिहानों के ठीक बगल में। मंडी.com के लिए मुन्ना हल्ली गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।